एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में आरोही, माया और शीतल तीन बहनें अपनी माँ सुमन के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सुमन के पति का निधन हो गया था, इसलिए तीनों बेटियों की जिम्मेदारी सुमन के ऊपर आ जाती है। सुमन अपनी तीनों बेटियों को एक अच्छा जीवन देने के लिए रात दिन काम किया करती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर खेती कर वह अपना गुजर बसर कर रही थी। लेकिन समय के साथ साथ इतना ज्यादा काम करते करते सुमन की तबीयत खराब रहने लगती है और वह ज्यादा काम नहीं कर पाती। हमेशा की तरह आज भी सुमन खेतों पर काम करने जा रही थी कि तभी वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तीनों बहनें बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और अपनी माँ को होश में लेकर आती हैं। तभी सबसे बड़ी बेटी शीतल कहती है, माँ कुछ देर के लिए तो आपने हमें डरा ही दिया था, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम तीनों बहनों का क्या होता? पिताजी तो हमें छोड़कर ही चले गए, क्या आप भी हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? अब आप खेतों पर काम करने नहीं जाएंगी। आरोही तुम लकड़ी बेचने जाओगी और माया तुम सब्जी बेचने जाओगी और मैं माँ का ख्याल रखूंगी और खेतों पर काम करूंगी, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहती हैं हम वैसा कर लेंगे, चल आरोही। इस तरह से दोनों छोटी बहनें अपने हिस्से का काम करने चली जाती हैं। लेकिन दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा कामचोर और घमंडी थीं, इसलिए वह ना तो सब्जी बेचने जाती हैं और ना ही लकड़ियाँ, बल्कि बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ घूमने लग जाती हैं। माया तूने देखा नहीं, शीतल दीदी हमारे ऊपर कैसे हुक्म चला रही थी, आरोही तुम लकड़ी बेचोगी, माया तुम सब्जी बेचोगी, जैसे हमारी माँ हो। माँ ने तो कभी हमसे काम करने के लिए कहा नहीं और वह महारानी हमसे काम करने के लिए कह रही थी। मुझे तो धूप में फिरने का कोई शौक नहीं है, पूरे दिन अगर मैं धूप में फिरती रहूँगी तो हमारा रंग नहीं चल जाएगा, इसलिए भाई मैं तो कोई काम नहीं करूँगी। इस तरह से दोनों बहनें काम से बचकर अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती हैं। शाम को जब दोनों बहनें एक रुपया भी कमाकर नहीं लेकर जाती तो शीतल को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले शीतल आरोही और माया को कुछ कहे, दोनों ही शीतल के ऊपर गुस्सा दिखाती हैं। क्या दीदी, आप तो कह रही थी कि आप माँ की सेवा करेंगी और खेतों में काम भी करेंगी, लेकिन नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं किया। माँ की तबीयत खराब है, इसका मतलब माँ काम करने गई थी और आप आराम कर रही थी। हम पूरे दिन इतनी धूप में घूम घूम कर सब्जियाँ और लकड़ियाँ बेच रहे थे और आप घर में आराम से बैठी थी, बड़े होने का फायदा उठा रही हो। आरोही और माया यह तुम क्या कह रही हो, मैं अभी खेतों से काम करके वापस आई हूँ। पूरे दिन मैंने खेतों में पानी दिया, जुताई की और माँ की सेवा भी की और घर में जो थोड़ा राशन था खाना भी बनाया, और तुम कह रही हो कि मैं घर में आराम कर रही थी। और जब तुम पूरे दिन घूम घूम कर सब्जी और लकड़ी बेच रही थी तो उसके पैसे कहाँ हैं? एक भी पैसा तो तुम कमा कर नहीं लेकर आई। माँ की तबीयत कितनी खराब है, उनकी दवाई कैसे आएगी? तो आप कहना क्या चाहती हैं कि हम सब्जी और लकड़ी नहीं बेच रहे थे बल्कि अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, आप ऐसा कहना चाहती हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इस तरह से तीनों बहनें आपस में लड़ने लग जाती हैं। यह देखकर सुमन को बहुत दुख होता है और वह चारपाई से उठकर अपनी तीनों बेटियों को डांटते हुए कहती है, बस अब कोई जरूरत नहीं है तुम तीनों को मेरे लिए काम करने की, मैं ठीक हूँ, मैं खेतों में काम भी कर लूंगी और सब्जियां भी बेचने चली जाऊंगी, तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों बहन इस तरह से लड़ रही हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तुम घर पर आराम करो और मैं काम करूंगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है कि मुझे अपनी छोटी बहनों को समझाना चाहिए था। आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बस आराम कीजिए। आरोही और माया कल से तुम माँ का ख्याल रखोगी और सारे काम मैं कर लूंगी, ठीक है? शीतल समझदार थी, उसका दिल नरम था, वह अपनी दोनों छोटी बहनों की तरह कठोर स्वभाव की नहीं थी, इसलिए अगले दिन से वह पहले सुबह खेतों में जाती, वहाँ का सारा काम खत्म करती, उसके बाद लकड़ियाँ और सब्जी बेचती और सारा काम करने के बाद शाम को घर जाती। और दोनों बहनें अपनी माँ का ख्याल भी ठीक तरह से नहीं रख रही थी। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा कुछ खाने के लिए है क्या, बहुत भूख लगी है, बहुत समय से कुछ खाया नहीं।
बढ़िया, तुझे नजर नहीं आ रहा हम भी गरीब हैं, हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम दूसरों को बांटते रहें। दो समय का हमें खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, ऊपर से तू यहाँ आ गई मांगने के लिए। चल जा यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, किसी और के दरवाजे पर जाकर मांग। माया, यह क्या बदतमीजी है, बड़े बूढ़ों से क्या इस तरह से बात करते हैं जिस तरह से तुम कर रही हो। अगर तुम्हें अपने हिस्से का खाना नहीं देना तो मत दो। अम्मा जी, यह लीजिए, मेरे हिस्से का खाना आप खा लीजिए, इस खाने की आपको ज्यादा जरूरत है। मैं तो जवान हूँ, एक समय भी भूखे रह सकती हूँ, आपके शरीर को ज्यादा जरूरत है। खुश रहो बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। माया, शीतल दीदी को समाज सेवा करने की कुछ ज्यादा ही बुरी आदत नहीं है, जब देखो हर किसी की मदद करने लग जाती हैं। दो दिन पहले भी खेतों में काका का खेत जोता था इन्होंने, और कल एक लड़की को अपनी चप्पल ही दे दी, अब नंगे पैर घूमती फिरती है। भाई, साफ सीधी बात है, मेरे से तो नहीं होती ऐसी भलाई, खुद मुसीबत में रहो और दूसरों को मदद पहुँचाओ। अब रहेंगी पूरी रात भूखी, तब पता चलेगा। अच्छा हुआ तूने खाना देने से मना कर दिया। माया, आरोही गलत बात है, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम अमीर ही हों तभी दूसरों की मदद करें, हमारे पास जो भी है उसी में से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, यही तो इंसानियत है। ऐसा कहकर शीतल काम करने में जुट जाती है और अगले दिन जंगल से लकड़ी लेने जाती है कि तभी वह देखती है कि एक जख्मी हिरण बुरी तरह से करहा रहा है और वह खून से लहूलुहान था। यह देखकर शीतल घबरा जाती है और वह उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है। दीदी, आप इस जख्मी हिरण को घर पर क्यों लेकर आई हो, इसमें से तो कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, जाओ इसे वहीं पर छोड़कर आओ। शीतल अपनी दोनों बहनों की एक नहीं सुनती और वह उस जख्मी हिरण के जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है, उसे हरी हरी घास खिलाती है, उसकी बहुत ज्यादा सेवा करती है। चार पांच दिन की सेवा करने से और रोज मरहम पट्टी लगाने से वह हिरण बिल्कुल ठीक हो जाता है। शीतल बहुत खुश थी। कुछ समय बाद वह शावर लेने जाती है और शावर लेकर जैसे ही बाहर निकलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, वह पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। शीतल बहुत रोती है। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया, मेरे सर पर तो एक भी बाल नहीं रहा, मैंने तो वही शैम्पू किया था जो रोज करती हूँ, अचानक यह क्या हो गया, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, अब पता नहीं मेरे बाल वापस आएंगे भी या नहीं। हो दीदी, यह आपने क्या कर दिया, वह शैम्पू तो कल ही खत्म हो गया था, इसलिए मैंने उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया था और आपने उस शैम्पू को यूज कर लिया, जिस वजह से आपके सारे बाल चले गए, अब तो आपके बाल कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर शीतल और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वह हिरण एक सुंदर परी के रूप में आ जाता है और वह शीतल को सुंदर जादुई सोने के बाल देती है, जिनकी वजह से शीतल और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी वह परी शीतल से कहती है, शीतल तुम एक बहुत नेक लड़की हो, बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, तुमसे कभी किसी के दुख दर्द देखे नहीं जाते, इसलिए इतनी अच्छी लड़की के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अब तुम्हारी यह जादुई सोने के बाल ऐसे ही चमकते रहेंगे और तुम एक बाल रोजाना बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति भी बदल सकती हो। आरोही, शीतल दीदी के बाल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और यह पहले से भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। शीतल दीदी कृपया करके परीजी से कहकर हम दोनों बहनों को भी सोने के बाल दिला दो ना। परीजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने ज्यादा सुंदर जादुई सोने के बाल देने के लिए, लेकिन क्या आप मेरी दोनों छोटी बहनों को भी जादुई सोने के बाल दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह लो माया और आरोही जादुई सोने के बाल, लेकिन याद रहे इनका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करना, ठीक है? ऐसा कहकर वह परी आरोही और माया को भी जादुई सोने के बाल दे देती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। माया और आरोही जादुई सोने के बाल पाकर और भी ज्यादा घमंडी और लालची हो जाती हैं। वह दोनों घर छोड़कर चली जाती हैं और जादुई सोने के बालों की मदद से एक महल जैसे घर में रहती हैं। रोजाना पार्टी करती, दोस्तों के साथ घूमती और शॉपिंग करती रहती, और वहीं दूसरी तरफ शीतल अपनी माँ के साथ रह रही थी। अपनी माँ का बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराती है, उनकी बहुत सेवा करती है और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती है।
ऐसे ही एक दिन माया और आरोही पार्टी में जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक छोटा मासूम बच्चा मिलता है और वह दोनों बहनों के सामने गिड़गिड़ाकर कहता है, दीदी दीदी मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, अगर उन्हें अभी हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो उनकी जान भी जा सकती है, मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करो, आप तो इतनी ज्यादा अमीर हैं, कृपया करके मेरी मदद करो। तेरी माँ मरती है तो हमारी बला से मर जाए, हमने तुम जैसे गरीब लोगों की मदद करने का कोई ठेका नहीं लिया, माया इस दुनिया में गरीब लोग कुछ ज्यादा नहीं हो गए, जब देखो हमारे सामने आके हाथ फैलाते रहते हैं, चल चल भाग यहाँ से, हम तुझे कुछ नहीं देने वाले। ऐसा कहकर दोनों बहनें उस बच्चे को दुत्कार कर धक्का देकर नीचे गिरा देती हैं कि तभी दोनों बहनों के सर से बाल गायब हो जाते हैं और वह गंजी हो जाती हैं और बहुत ज्यादा बदसूरत भी। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा रोती हैं और शीतल के पास जाती हैं और शीतल को सब बताती हैं। तभी शीतल अपनी दोनों बहनों से कहती है, माया आरोही तुम्हें अपने किए की सजा मिली है, वह मासूम बच्चा तुम्हारे सामने कितना रो रहा था, तुमने उस परेशान बच्चे की मदद नहीं की, जबकि परी ने तुमसे कहा था कि जादुई सोने के बालों से तुम्हें दूसरों की मदद करनी है, तुमने अपने जादुई सोने के बालों से लालच किया, उनका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही रहोगी। आरोही और माया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और अब वह हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही गंजी और बदसूरत रहती हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलती से सबक मिल जाता है और वह शीतल की तरह अच्छी लड़की बन जाती हैं और उसी की तरह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे खड़ी रहती हैं। एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में आरोही और सपना दो बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता की एक गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। दोनों बहनों की जिम्मेदारी सावित्री के ऊपर आ जाती है और वह रात दिन मेहनत कर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन अचानक सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। अपनी माँ को ऐसा देख दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अपनी माँ को होश में लेकर आती हैं। बेटा मुझे अब नहीं लगता मैं और जी पाऊंगी, मेरा तुम्हारे पापा के पास जाने का समय आ गया। आरोही बेटा मेरे जाने के बाद तुमसे यह घर भी छिन जाएगा और तुम्हारे पास खाने पीने का कोई और साधन नहीं है, इसलिए बेटा तुम अपने चाचा किशोरदास के घर चली जाना, तुम्हारे चाचा तो अच्छे हैं लेकिन चाची थोड़ी गुस्से की तेज है, उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लेना, अब एकमात्र सहारा वही घर है तुम्हारा, मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बच्चियों। नहीं नहीं माँ आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, देखना हम दोनों बहन आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। माँ माँ अपनी आंखें खोलो, अभी तो आप हमसे बातें कर रही थी, अचानक आपने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? माँ माँ अपनी आंखें तो खोलो, कृपया करके हमारी बात तो सुनो माँ। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं और अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश सोचकर अपने चाचा चाची के घर चली जाती हैं। दोनों बहनों को देखकर चाची सुमन आग बबूला हो जाती हैं और वह दोनों बहनों को जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, तुम दोनों गरीब मनहूस बहनों की मेरे महल जैसे घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुमसे हमने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, तुम जैसे गरीबों से हमें कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी, सारा घर गंदा कर दिया, अभी इसे अच्छी तरह से पवित्र करवाना पड़ेगा, जाओ निकलो यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर, पता नहीं कहाँ से आ गए गरीब। चाची जी हम दोनों अनाथ बहनें कहाँ जाएंगे, आपका ही तो सहारा है, हमें अपने घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए। सुमन अब इतनी भी कठोर मत बनो, यह दोनों बेचारी अब कहाँ जाएंगी? सुमन अपने पति की बात मान जाती है और दोनों बहनों को अपने घर में रख लेती है, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी बनाकर दोनों बहनों से गधों की तरह काम करवाती, जब दिल में आता तो बेरहमी से उनकी पिटाई भी कर दिया करती थी और खाने के नाम पर तो
रूखा सूखा देती थी और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। दोनों बहनें अपनी किस्मत समझकर इतनी अत्याचार वाली जिंदगी अपने चाची के घर में व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही एक दिन सुमन दोनों बहनों से बहुत ही ज्यादा काम करवाने के बाद सड़ा हुआ खाना देती है। दीदी दीदी, खाने में से तो बदबू आ रही है। दीदी, चाची ने सही कहा था कि वो हमारी नानी याद दिला देंगे। देखो तो आज हमसे कितना ज्यादा काम कराया और फिर भी क्या दिया, सड़ा हुआ खाना। मेरा शरीर दर्द के मारे दुख रहा है, भूख भी बहुत ज्यादा तेज लग रही है। दीदी, जिस तरह से चाची के बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी तरह मैं भी जाना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, ताकि हम एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके। सपना, मेरी प्यारी बहन, यह सपना बहुत अच्छा है, लेकिन यह सपना सपना ही रहेगा। चाची तुम्हें कभी पढ़ने की परमिशन नहीं देंगी, वो हमें नौकर मानती हैं। फिर तुम ही बताओ, वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देंगी? और आज तो देखो, उन्होंने हद ही पार कर दी, सड़ा हुआ खाना दिया है, वो भी दो दिन बाद। अब तुम ही बताओ कि तुम स्कूल कैसे जाओगी? आरोही और सपना आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ सुमन आ जाती है और वह आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस आरोही बच्ची, मैंने तुझसे अदरक वाली चाय मांगी थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम दोनों मनहूसों को तो समय पर खाना मिल जाता है, काम वाम तो कुछ करना पड़ता नहीं है, बस 24 घंटे बैठ जाती हैं और गप्पे लड़ाती रहती हैं। चाची जी, माफ कर दीजिए, मेरे दिमाग से निकल गया, बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी आरोही जल्दी से अपनी चाची के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है और उनके रूम में लेकर जाती है और उनसे बहुत हिम्मत कर सपना की पढ़ाई के बारे में बात करती है। चाची जी, मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, आपकी कोई भी गुलामी, कोई भी अत्याचार सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, कृपया करके सपना का सरकारी ही स्कूल में एडमिशन करवा दो। जब मैं जिंदा थी तो हम दोनों बहन सरकारी स्कूल में जाया करते थे, उसे पढ़ने का बहुत शौक है। आरोही के इतना कहते ही सुमन आग बबूला हो जाती है और वह गर्मा गर्म चाय की प्याली आरोही के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से उसका हाथ पूरी तरह से जल जाता है और वह उसी हाथ को मुड़कर उससे कहती है, मनहूस, तेरी बहन को पढ़ लिखकर कौन सा कलेक्टर बन जाना है, रहेगी तो वो फिर भी मेरे घर की नौकरानी ही, आज तो तूने मेरे सामने ऐसी बात कर दी है, अगर तूने मेरे सामने स्कूल जाने की बात की तो फिर तुम दोनों बहनों को अपने घर से धक्के मारकर एक मिनट में निकाल दूंगी, फिर रहना सड़क पर भीख मांगते हुए। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, तुम्हारे लिए काफी नहीं है, महारानी की बहन को स्कूल जाना है, अब जा यहाँ से। मनहूस, सारा मूड खराब कर दिया। बेचारी आरोही रोते हुए अपनी चाची के पास से आ जाती है, तभी सपना अपनी बहन के लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, दीदी यह हल्दी का लेप लगा लीजिए, इससे आपके जख्म ठीक हो जाएंगे और मैं आज के बाद स्कूल जाने की बात कभी नहीं करूंगी, अपने दिल और दिमाग से यह ख्याल निकाल दूंगी। दीदी, आज की रात तो हमें पानी पीकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो सड़ा हुआ है। ऐसा कहकर सपना बहुत रोती है और आरोही भी अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगा लेती है और दोनों बहनें सड़ा हुआ खाना फेंक कर पानी पीकर रोते रोते सो जाती हैं। सुबह हो जाने के बाद सुमन आरोही को बुलाती है और उससे कहती है, सुन करम चली, मेरी बहन आ रही है और मेरी बहन को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर देना और 5 तरह के अलग अलग पकवान भी बना देना, उसे अलग अलग वैरायटी के खाना खाना बहुत पसंद है। और तो सुन सपना की बच्ची, पूरे गार्डन की सफाई कर देना, अगर तुम दोनों मनहूस बहनों की वजह से कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चलो अब जाओ यहाँ से, अपने काम पर लग जाओ। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब दोनों गरीब मनहूस बहन मेरे घर आई थी। बेचारी आरोही के हाथ में अभी भी छाले थे, उनमें अभी भी जलन हो रही थी, लेकिन वह अपनी चाची को काम करने से मना नहीं कर सकती थी, उसे मजबूरी में ऐसे ही छालों में घर का सारा काम करना पड़ता है। पहले वह पूरे घर की सफाई करती है, उसके बाद इतने दर्द में बहुत मुश्किलों से चूल्हे के पास जाकर 5 तरह के अलग अलग पकवान बनाती है और सपना गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम कर रही थी। कुछ समय बाद सुमन की बहन विनीता आ जाती है और दोनों बहनें डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थीं कि तभी विनीता की नज़र दोनों बहनों के ऊपर जाती है।
छी छी, अरे अरे सुमन, तूने इतनी ज्यादा फर्टीचर गरीब नौकरानियों को क्यों रखा है? इनके कपड़ों से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, क्या ये खाना इन्होंने बनाया है? अरे यार, तू तो मेरे स्टैंडर्ड को अच्छी तरह से जानती है कि मैं नौकरानी भी कैसी रखती हूँ। मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे गरीबों का हाथ का खाना मैं खाऊंगी कभी भी नहीं। ऐसी गरीबों को तू कैसे बर्दाश्त कर रही है? अरे यार विनीता, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम तो मेरी सबसे अच्छी बहन हो, तुम्हें तो मैं नाराज कर ही नहीं सकती। अगर तुम्हें यह नौकरानी पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, राहुल के पापा यहाँ पर नहीं हैं, अभी के अभी इन दोनों गरीब बहनों को धक्के मार कर निकाल देती हूँ। लेकिन यार बस तुम नाराज मत हो, अगर तुम नाराज हो गई तो मुझे क्लब की मेंबरशिप कैसे दिलाओगी? तुम दोनों फटीचर गरीब बहनों जाओ, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पर मत आ जाना। चाची जी, यह आप क्या कह रही हैं? इतनी रात को हम दोनों बहन कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। चाची जी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके हमें मत निकालिए। हाँ हाँ चाची, इतनी रात हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमें मत निकालिए, हमें मत निकालिए। हम दोनों बहनों से जो भी करने के लिए कहेंगी हम वो सब करने के लिए तैयार हैं, और कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे, लेकिन कृपया करके हमें मत निकालिए। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने बहुत गिड़गिड़ाती हैं, उनके पैर भी पकड़ती हैं, लेकिन चाची को बेचारी दोनों अनाथ बहनों के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता, और वह धक्के मारकर दोनों को निकाल देती हैं। दोनों बहनें रात के अंधेरे में इधर से उधर भटक रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में जाल में एक चिड़िया फंसी हुई नजर आती है, जो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। आरोही तुरंत उसके पास जाती है, उसे जाल से बाहर निकालती है, नदी से पानी पिलाती है, और जड़ी बूटी के पेड़ से लेकर कुछ जड़ी बूटियाँ उस चिड़िया के जख्मों पर लगाती है। जैसे ही वह चिड़िया ठीक होती है तो वह अपने असली रूप में आ जाती है। असल में वह एक बहुत सुंदर परी थी। तभी वह दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों बहन बहुत अच्छी हो, तुमने एक परिंदे को बचाने के लिए कितना प्रयास किया, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नदियों के जादुई तीन नेकलेस की नदी के पास लेकर चलती हूँ। ऐसा कहकर परी अपने साथ दोनों बहनों को नदियों के जादुई तीन नेकलेस के पास लेकर जाती है। एक नेकलेस की नदी में सोना बह रहा था, दूसरे नेकलेस की नदी में हीरे बह रहे थे, और तीसरे नेकलेस की नदी के पास मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। वहां जाकर परी दोनों बहनों से कहती है, आरोही और सपना, यह हमारी जादुई तीन नेकलेस की नदियां हैं, जिस नदी से सोना बह रहा है, अगर वह नेकलेस पहनती हो तो तुम्हारे सामने सोना ही सोना आ जाएगा, और अगर हीरे वाला नेकलेस पहनती हो तो तुम्हारे सामने हीरे ही हीरे आ जाएंगे, और अगर तुम जिस नेकलेस के पास छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं वह नेकलेस पहनती हो तो यह बच्चे चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाएंगे, और तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सारी जिंदगी हीरे और सोना लेकर सारी जिंदगी ऐश करना चाहती हो, या फिर इन मासूम बच्चों को चुड़ैल की कैद से आजाद कराकर 10,000 रुपए लेना चाहती हो। परी जी, हमें हमेशा हमारी माँ ने समझाया है कि मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए, और लालच तो कभी नहीं करना चाहिए। और यह मासूम बच्चे अपने परिवार से अलग है, और परिवार की क्या अहमियत होती है हम दोनों बहन अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम धन दौलत का लालच नहीं करेंगे। चुड़ैल से इन बच्चों को छुड़ाकर 10,000 रुपए लेकर अपना कोई काम शुरू करेंगे, और मेहनत से कमाएंगे और खाएंगे। तुम दोनों ने धन दौलत का लालच नहीं किया, इसलिए मैं सोने और हीरे के नेकलेस तुम्हें देती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गईं। सपना और आरोही परी को धन्यवाद कहकर सोने और हीरे के नेकलेस लेकर आ जाती हैं, जिनकी मदद से दोनों बहनों के पास बहुत सारी धन दौलत आ जाती है। दोनों बहन महल में एक महारानी वाली जिंदगी व्यतीत कर रही थीं, और वह गांव के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने भी जाने लगती हैं। अब उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब इस बात की खबर सुमन को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। मेरे घर में सड़ा हुआ खाना खाने वाली मामूली सी नौकरानी आज महल जैसे घर में रह रही है, और इतने बड़े स्कूल में पढ़ने भी जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? और गांव के गरीब लोगों को तो सोना और हीरे तो ऐसे बांट रही है जैसे किसी सुनहार की बेटियां हों, पता तो लगा नहीं होगा, आखिर क्या गड़बड़ है? ऐसा सोचकर सुमन दोनों बहनों के ऊपर नजर रखने लगती है। और एक दिन जब दोनों बहनें नदियों के जादुई तीन नेकलेस के बारे में बात कर रही थीं, तो उसी समय उसे पता चल जाता है कि काली पहाड़ी के पीछे परी के जादुई नदियों के तीन नेकलेस हैं, और सुमन अपनी बहन विनीता के साथ नदियों के जादुई नेकलेस के पास पहुँच जाती है। दोनों बहनें लालची थीं।
परी, हम बच्चों की मदद क्यों करेंगे? हमारी बला से चुड़ैल इन्हें पकाकर खा जाए, हम इनकी मदद नहीं करेंगे। इनकी मदद करने के चक्कर में क्या हम सोने और हीरे के नेकलेस ले जाना छोड़ देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें तो सोने और हीरे के नेकलेस चाहिए, जिनकी मदद से हम माला माल हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हमें नहीं करनी किसी की भी मदद। क्यों विनीता, सही कह रही हूँ ना? दोनों बहनें धन दौलत का लालच करती हैं और वह सोने और हीरे की नदियों के जैसे ही नेकलेस पहनती हैं तो वह उसी नदी में डूबकर बहुत दूर चली जाती हैं और कभी वापस नहीं आती। इस तरह सुमन और विनीता को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही और सपना अपने अच्छे स्वभाव और उन्होंने लालच नहीं किया था, इसलिए वह एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं।